जब एक अनोखी शक्ति वाला अनाथ बच्चा एक परिवार वाले लड़के से दोस्ती करता है और उसे बताता है अपना सबसे बड़ा राज कि वो पाना चाहता है अपने दोस्त के माता पिता का प्यार। जल्द ही एक दुर्घटना उसके सपनों को सच कर देती है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो आधी रात को कैंडी खरीदने बाहर जाता है और कैंडी लेने के बाद एक दीवार फैला कर अनाथ आश्रम में घुस जाता है और अपने कमरे में वापस आकर सोने लगता है तो एक छोटे लड़की के रूप में बदल जाता है जिसका नाम साइमन है। अगले दिन सभी अनाथ बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाया जाता है। वहाँ साइमन की मुलाकात होती है थॉमस और मैडलिन से। ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ये दोनों अपनी मॉम से छुपकर वाइन पी रहे हैं। वहीं पर ही साइमन उनको बताता है कि वो अनाथ आश्रम में रहता है। जल्द ही साइमन की थॉमस और मैडलिन के साथ दोस्ती हो जाती है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि थॉमस के पिता जैक और उसकी मॉम ड्यूरन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अनाथ आश्रम वापस जाते ही साइमन को अच्छी खबर मिलती है कि मैडलिन और थॉमस ने उसे एक वीक के लिए अपने घर में इनवाइट किया है। साइमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। थॉमस के पिता साइमन को अनाथ आश्रम से लेने गाड़ी में आता है। साइमन थॉमस के घर पहुंच जाता है। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं जहाँ ड्यूरंट थॉमस और साइमन को प्यार करके सुला देती है और कमरे से बाहर आ जाती है। अगली रात ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी थॉमस साइमन से कहता है कि क्या तुम हमारे खूनी भाई बनना चाहते हो। फिर वो तीनों अपने हाथ पर कट लगाकर एक बर्तन में खून डाल देते हैं और अपना एक एक राज एक दूसरे को बताते हैं। थॉमस कहता है कि उसने एक दफा अपनी मॉम को बिना कपड़ों के देख लिया था। मैडलिन कहती है कि मम्मी और पापा कहते हैं कि मैं 20 साल से ज्यादा जिंदा न रह पाऊंगी। और वहीं साइमन अपना राज बताते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं जिस इंसान को छू लूं उसका रूप धारण कर सकता हूं। फिर वो अपना रूप बदल कर दिखाता है जिसको देखकर थॉमस और मैडलिन हैरान रह जाते हैं। साथ ही साइमन अपना हाथ दिखाता है जिस पर लगाया हुआ कट का निशान अब गायब हो चुका था, जिस पर साइमन कहता है कि मेरे रूप बदलने की वजह से जख्म ठीक हुआ है। इसके बाद ये तीनों सो जाते हैं। रात के वक्त साइमन को मैडलिन के रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि मैडलिन को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इससे हैरान होकर साइमन मैडलिन का हाथ पकड़ता है और मैडलिन के रूप में आ जाता है। अचानक साइमन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसीलिए वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है। अगले दिन मैडलिन साइमन के लिए एक पिंक कोट लेकर आती है। जब वो दोनों बैठे होते हैं तो मैडलिन साइमन को किस कर लेती है। इसके बाद साइमन और थॉमस जंगल में जाते हैं जहां वो दोनों मस्ती करते हुए आपस में एक रेस लगाते हैं जिसमें थॉमस बहुत तेज दौड़ता है। ये देखकर साइमन किसी और बच्चे के रूप में बदलकर अगले ही लम्हे थॉमस से भी ज्यादा आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद थॉमस का पैर फिसलता है और वो एक खाई में गिर जाता है। जब साइमन थॉमस की चीखने की आवाज सुनता है तो उसे बहुत ढूंढता है और तभी उसे पता चलता है कि थॉमस खाई में गिर चुका है। इसी रात थॉमस के पिता और पुलिस मिलकर थॉमस को ढूंढ रहे होते हैं। इन सब को साइमन एक पेड़ के पीछे छुपकर दुखी दिल से देख रहा होता है। साइमन एक फैसला करता है और थॉमस के घर की डोरबेल बजाता है। थॉमस की मॉम बहुत परेशान होती है। डोरबेल की आवाज सुनकर वो भागी चली आती है। दरवाजा खुलते ही उनके सामने थॉमस खड़ा होता है जिसे देखकर वो गले लगा लेती हैं। दरअसल वो साइमन ही होता है जिसने थॉमस का रूप धार लिया है। साइमन जिसने अपनी शनाख्त अपनी शक्ति से थॉमस बना ली होती है। इससे पुलिस वाले पूछगिछ करते हैं जहां वो बताता है कि साइमन खेल खेल में भागते हुए शायद खाई में गिर गया है। उसी रात मैडलिन थॉमस से साइमन के बारे में पूछती है। उसे अब तक यकीन नहीं होता कि साइमन मर चुका है क्योंकि वो साइमन से प्यार करने लगी थी। मैडलिन थॉमस बने साइमन के पास से सबूत मांगती है। साइमन उसे अपने हाथ में कट लगा के दिखाता है जो थॉमस ने जानबूझकर लगाया था। इसके बाद मैडलिन को भी यकीन हो जाता है कि साइमन अब ये दुनिया छोड़ चुका है। अगले दिन साइमन का अंतिम संस्कार किया जाता है जहां उसके अनाथ आश्रम के लोग भी होते हैं। साइमन अपना नाम मरे हुए लोगों में देखकर घबरा जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। समय बीतता चला जाता है और यूं मैडलिन 18 बरस की हो जाती है। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं और वापसी पर बहुत परेशान होते हैं। साइमन जो कि अब थॉमस है वो जैक के साथ एक शॉप में काम करता है। वहाँ एक लड़की कुछ सामान लेने आती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। उसी दिन साइमन मैडलिन को एक लड़के के साथ देख लेता है और फिर मैडलिन से उस लड़के का पूछता है तो मैडलिन कहती है मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और अब तक उसे अपनी बीमारी का नहीं बताया है। कुछ दिनों बाद थॉमस का 20वां जन्मदिन आता है। इस मौके पर वो सब बैठकर बचपन की फोटोज देखने लगते हैं कि तभी एक तस्वीर साइमन की भी आती है जिसमें वो तीनों साथ खड़े होते हैं। साइमन दुखी हो जाता है और कमरे में जाकर पहली दफा अपने असली रूप में खुद को देखता है। अगले दिन साइमन एक दुकान पर जाता है जहां वो उस लड़की को देखता है जो उससे फ्लर्ट कर रही है। साइमन उससे बचने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है।
वहीं उसे फ्रेंच फ्राइज नजर आते हैं। सामिद को फ्राइज बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो वहाँ बैठ कर फ्राइज खाने लगता है। तभी बाहर से गुजरती मैडलिन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे गौर से देखने लगती है। मैडलिन के जाते ही सामिद भागकर अपने रूम में आता है और कपड़े चेंज करने लगता है कि तभी मैडलिन दरवाजे पर नॉक करती है। मैडलिन थॉमस से कहती है कि सामिद जिंदा है, मैंने आज रेस्टोरेंट पे एक लड़का देखा है जो बिल्कुल सामिद जैसा था। थॉमस गुस्से से कहता है कि सामिद मर चुका है। अगली सुबह सामिद मिसिंग होने का पोस्टर देखता है जिसे मैडलिन ने ही लगाया था। सामिद फौरन वो तस्वीर उतार देता है। इसके बाद सामिद अपने असली रूप में मैडलिन के पास जाता है। मैडलिन उसे देखकर कहती है कि तुम सामिद हो, लेकिन सामिद साफ इनकार कर देता है कि वो सामिद नहीं बल्कि वो उसे अपना नाम मिशेल बताता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का वेटर फ्राइज लेकर आता है जिसमें मैडलिन सामिद को अपना नंबर लिख देती है। रात का खाना खाते वक्त मैडलिन बार बार मोबाइल चेक कर रही होती है। सामिद ये देखकर समझ जाता है कि वो उसके मैसेज का इंतजार कर रही है। खाना खाने के बाद सामिद दूसरे मोबाइल से मैडलिन को मैसेज करता है और यूं उनके बीच बातचीत बढ़ती है। अगले दिन मैडलिन उसे अपने घर बुलाती है जहाँ कोई नहीं होता। सुबह होते ही मैडलिन के माता पिता आ जाते हैं। मैडलिन उससे मिशेल को मिलवाती है, लेकिन मैडलिन के माता पिता कुछ खास इंटरेस्ट नहीं देते। मैडलिन थॉमस बने सामिद को मिशेल के बारे में बताती है, लेकिन सामिद उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। अगले दिन मैडलिन थॉमस के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है कि उसे वो तस्वीर मिलती है जो उसने सामिद को ढूंढने के लिए बोर्ड पर लगाई थी। मैडलिन अब शक में पड़ जाती है। अगले दिन सामिद कैफे में बैठकर मैडलिन को कॉल करता है, लेकिन दूर बैठी मैडलिन उस पर नजर रखे हुए थी। जब वो कॉल नहीं उठाती तो सामिद वहाँ से चला जाता है। जंगल में जाकर वो अपने कपड़े बदलता है। दूसरी तरफ मैडलिन उसका पीछा कर रही होती है और वो सामिद को थॉमस में बदलता देख लेती है। मैडलिन सामिद के रूम में आ जाती है और उसे कहती है कि वो सबको सच बता देगी। सामिद उसे रोकता है और अपनी असल शक्ल में आ जाता है। ये देखकर मैडलिन रोने लगती है और उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। सामिद उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ थॉमस गिर गया था। सामिद कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, थॉमस अपने आप ही इस गड्ढे में गिर गया था। लेकिन मैडलिन इस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैडलिन के कहने पर पुलिस डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती है जहाँ थॉमस गिरकर मर गया था। थॉमस बने सामिद को पुलिस स्टेशन बुलवाकर पूछगछ की जाती है। सामिद बहुत घबरा जाता है। उसके बाद सामिद का फिर से अंतिम संस्कार किया जाता है। मरे हुए लोगों में सामिद अपना नाम देखकर डरकर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर अपना सामान पैक करके भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं मैडलिन और उसके माता पिता आ जाते हैं। मैडलिन सामिद पर बंदूक तानकर सामिद को अपने असली रूप में आने का कहती है। जब सामिद अपने असली रूप में नहीं आता तो मैडलिन उस पर गोली चला देती है, जिसके बाद मैडलिन उसे कहती है कि अपने रूप में आ जाओ ताकि ये जख्म भर जाए और तुम बच जाओ। जिसके बाद सामिद ना चाहते हुए अपने असली रूप में आ जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जैक गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। जख्मी सामिन मौका पाकर पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाता है। पुलिस सामिन का पीछा करती है। जल्द ही वो सामिन को घेर लेते हैं, लेकिन वो भागता है और भीड़ में गायब हो जाता है। एक महीने बाद मैडलिन अपने बॉम्ब के साथ बीच पे जाती है और पुलिस दूर से उन पे नजर रखे होती है। वहां टहलते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। मैडलिन को विश्वास हो जाता है कि ये सामिन है। वो भागकर उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। पुलिस सामिन को पकड़ने की कोशिश करती है। सामिन और मैडलिन पुलिस से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन मैडलिन ज्यादा देर भाग नहीं सकती। सांस की तकलीफ की वजह से वो गिर जाती है। सामिन उसे देखकर उसकी तरफ आता है और मैडलिन के पिता का रूप धार कर मैडलिन को उठाता है और उसकी माता के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैडलिन को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। मैडलिन की माता और सामिन उसके बाहर इंतजार करते हैं। जैक जैसे ही वहां पहुंचता है तो सामिन उनको देखकर मैडलिन के पिता के रूप से वापस उस बूढ़े के रूप में आ जाता है। तभी सामिन पुलिस ऑफिसर को आते हुए देखता है तो वो एक डॉक्टर का रूप धार लेता है, लेकिन जल्द ही पुलिस वालों को उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है। सामिन एक लेडी पुलिस की शक्ल में आता है और मैडलिन के रूम में एंटर होता है। जैक और उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि ये सामिन है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और जैसे ही वो अंदर आती है तो देखती है कि सामिन मैडलिन के पास सोया हुआ है और उसके हाथ में खत लिखा है जिसमें लिखा होता है कि इसे बचा लो, और पास ही एक जहर की दवा होती है, यानी सामिन अपनी जान दे देता है। अंत में हम देखते हैं कि सामिन का फ्यूनरल हो रहा है। मैडलिन कुछ देर गौर से सामिन की कब्र को देखती है और बहुत तेजी से भागना शुरू कर देती है, और कहानी का यही अंत हो जाता है। मैडलिन के तेजी से भागने का मतलब ये हो सकता है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल इनसाइट रीकैप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।